जब भी आप लोग किसी छुट्टी की योजना बनाते हैं तो सबसे पहले आपको हिल स्टेशनों की ही याद आती है। ऐसे में हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ जाती है और कभी कभी यह भीड़ आपकी शांति और दुनिया से दूर प्रकृति के बीच मनाए जाने वाली छुट्टी में बाधा भी डाल सकती है। आप अगर ऐसे किसी हिल स्टेशन की सैर पर जाना चाहते हैं जहां आप भीड़ भाड़ से दूर बसे प्रकृति की गोद में अकेले समा जाना चाहते हो तो हमारे पास आपके लिए उसका भी हल है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में बसे छोटे से हिल स्टेशन चोपता की। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा परिहार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सैर सपाटा। चोपता एक खूबसूरत हिमालय की गोद में बसा पर्वतीय क्षेत्र है जो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में आता है और यह समुद्री तल से 2680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो मानो चोपता आपके लिए ही बना है। इसके चारों ओर पहाड़ियाँ और जंगल ही आपको नजर आएंगे, साथ ही प्रकृति का वो अद्भुत नज़ारा भी नज़र आएगा जो आपके मन को मोह लेगा। दिल्ली और मुंबई की भीड़ भाड़ से दूर आप यहाँ दिन के उजाले में बर्फ की ठंडी चादर और उड़ते बादल देखेंगे जो आपको काफ़ी आकर्षित करेंगे। साथ ही आपके हर तीसरे कदम की दूरी पर पहाड़ों से निकलते बड़े झरने भी दिखाई देंगे। चोपता को उत्तराखंड का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। यहाँ से सबसे नज़दीक जगह तुंगनाथ है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है और भगवान शिव को समर्पित है। यह प्राचीन मंदिर तुंगनाथ माउंटेन रेंज में स्थित है जो कि समुन्द्र तल से 3680 मीटर की ऊंचाई पर है और दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है। खरीदारी, वहां की स्थानीय दुकानों से आप पहाड़ी कपड़े खरीद सकते हैं जो आपको ठंड से बचाएंगे। प्रसिद्ध आकर्षण केंद्र, केदारनाथ मंदिर एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय धार्मिक स्थल है जो चोपता से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंद्रशिला, बनियाकुंड, कालीमठ मंदिर, देवरिया ताल, इन सब जगहों पर जाकर आप अपनी शाम को सुहावना कर सकते हैं। चोपता में टूरिस्ट ट्रैकिंग के अलावा कैंपिंग, योग, रॉक क्राफ्ट, स्नो स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग जैसी बहुत सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं आप? आप यहां बाय ट्रेन, रोड और एयर से जा सकते हैं। दिल्ली से चोपता लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर है और देहरादून से 215 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो आपको लगभग 10 घंटे का सफ़र तय करना पड़ सकता है। अगर आप फ्लाइट की सुविधा लेना चाहते हैं तो यहाँ से सबसे नज़दीक देहरादून में स्थित चोलीग्रांट हवाई अड्डा चोपता से 226 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एयरपोर्ट है। नई दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यहां के लिए रोज़ाना फ्लाइट सुविधा है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो यहां का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन ऋषिकेश में है। चोपता पहुंचने के लिए आप हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश से बस सेवा का भी लाभ ले सकते हैं। कहाँ ठहर सकते हैं? यहाँ आपको यहाँ कई छोटे बड़े होटल्स और कमरे मिल जाएंगे। उनमें से कुछ होटल्स के नाम हैं होटल एल्पाइन एडवेंचर कैंप, होटल मैगपाई टूरिस्ट विलेज, मायादीप हर्बल रिजोर्ट, चौहान गेस्ट हाउस। साथ ही कई तरह के टेंट्स भी मिल जाएंगे जहाँ आप कम खर्च में भी ठहर सकते हैं और प्रकृति का लुत्फ उठा सकते हैं। शिवांश कैफ़े एंड रेस्ट्रो हैंगआउट के लिए बहुत अच्छा कैफ़े है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक अच्छी शाम बिता सकते हैं। चोपता जाने का सही समय, मानसून के शुरुआती दिनों में और गर्मियों से यानी यहां मार्च से जुलाई तक जा सकते हैं। यह समय हिल स्टेशन की यात्रा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मानसून के बाद भारी बर्फबारी के कारण यात्रियों को सर्दियों के समय वहाँ की यात्रा करने से बचना चाहिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे एक नई रिपोर्ट को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मीडिया दरबार के साथ। धन्यवाद।